बोकारो के मशहूर सर्जन डॉक्टर इरफान की कार पर गोलियों की बौछार कर दी गई। खुदा का शुक्र है कि इस फायरिंग में डॉक्टर इरफान और उनके ड्राइवर बाल बाल बच गए। उनकी कार पर कुल 5 गोलियां दागी गई। अचानक हुए खुद पर फायरिंग से डॉक्टर इरफान हैरान और परेशान हो गए। उनका कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, उन पर गोलियां चलाने वालों का इरादा और मकसद क्या था उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। यह सनसनीखेज वारदात बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के तेतुलिया में शनिवार रात 9:30 बजे हुई। मौके पर पहुंचे DSP कुलदीप कुमार ने कहा कि रात का समय था, करीब 9:30-10 बज रहे थे। अंधेरा छाया हुआ था। सड़क किनारे दो लोग खड़े थे, एक दायां और एक बायां। दाहिनी तरफ खड़े बदमाश ने करीब 5 राउंड गोलियां चलाई। बदमाशों का इंटेंशन क्या था इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। डॉक्टर इरफान ने भी अब तक किसी पर कोई संदेह नहीं जताया है। पुलिस पूरे मामले की गहराई से तहकीकात कर रही है। घटना स्थल के आसपास के CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। घटना घटना हुई क्या? हम आ रहे थे हॉस्पिटल से। कितने बजे? 9:10 के आसपास जो हम जब तेतुलिया बस्ती पहुंचे तो वहां पे एक पोल रोड पे गिराया हुआ है और उसी के बगल में दो लड़का खड़े थे, एक दाहिने तरफ था एक बाएं तरफ था। तो लोग जो ड्रेसअप और बाकी जो एक लग रहे थे कि ये बाहर से हैं लोग, ताकि ये लोकल जो वहाँ के रहने वाले हैं बाशिंदे उन लोग जैसा लग नहीं रहा था। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि इन लोग ये अभी क्या कर रहा है, इतना रात को यहाँ पे क्या कर रहा है बस्ती में। तो जो गाड़ी वहाँ पे स्लो हुई ब्रेकर की वजह से, तो जैसे स्लो हुई तो दाहिने तरफ वाला जो है ना अचानक गोली चलाना शुरू किया। तो मैं ड्राइवर को बोला जल्दी भगाओ, तो फिर हम लोग वहाँ से भागे। फिर भी वो 5 गोली लगी मेरे गाड़ी में, वो चलाते चला गया। क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ? ये तो अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि ना मेरी किसी से जाति दुश्मनी है, ना कभी हम लोगों ने इस तरह का कोई किसी के साथ केस आया या कुछ इस तरह का मसला आया इसके बुनियाद पे ऐसा कोई हम लोग के साथ कर सकता है कभी। दूसरी वजह एकदम टोटली अनएक्सपेक्टेड, समझे? तो ये क्या है, तो मैं शॉक्ड हूँ। डॉक्टर साहब पर जो गोली चली है, कितना राउंड चली है, क्या है मामला? हम लोगों को सूचना वो 9:30-10 बजे मिली थी कि डॉक्टर साहब के जो गाड़ी है उस पर 5 राउंड गोली चली है, और जिसमें किसी को गोली लगी नहीं है, ना ड्राइवर को ना डॉक्टर साहब को। और हम लोग इसके तहकीकात में लगे हुए हैं और अनुसंधान शुरू हो गया है, और कुछ हम लोगों को अगर लीड मिलता है तो हम लोग उसमें आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपने डॉक्टर साहब क्या बताया, किसी से दुश्मनी? डॉक्टर साहब से तो लंबी बातचीत हुई है और हम लोग उनके द्वारा बताया गया है कि किसी प्रकार का हमको ना तो पहले से कोई दुश्मनी है, ना कोई थ्रेट कॉल आया है, और ना अभी तक किसी प्रकार का ये आशंका भी किसी पे नहीं जता रहे हैं। लेकिन पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है और लोग जल्द ही इसका उद्भेदन करने का आशा में है। CCTV में देखा कुछ बराबर मिला? CCTV देख रहे हैं, रात का समय था, अंधेरा था, बिजली नहीं थी, और कुछ क्लैरिटी अभी नहीं आई है। और अगर उस तरह से आती है तो हम लोग उस ओर बढ़ेंगे और अनुसंधान करेंगे और उद्भेदन करेंगे। जिस तरह से सर डॉक्टर पर गोली चली है, क्या लगता है कि अब अपराधियों का मनोबल ऐसा तो नहीं किसी हाल है? अब कौन है नहीं है ये तो अभी तक पता नहीं है, कोई अज्ञात ही अभी है, और क्या इंटेंशन है उनका ये भी समझ में नहीं आया। डॉक्टर साहब से भी बातचीत हो रही थी तो ये भी किसी प्रकार की आशंका नहीं बताए हैं, और किस प्रकार के अपराधी हैं ये हम लोग अभी लगे हुए हैं और अनुसंधान कर रहे हैं, देखते हैं कौन है, क्या उनकी मंशा थी। कितने की संख्या में थे अपराधी? डॉक्टर साहब के कहना है कि एक 2 की संख्या में थे, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड था। तो राइट साइड वाले जो अपराधी है वो गोली चलाया है, और आगे भी अगर कोई संलिप्त होगा तो हम लोग इसमें भी गिरफ्तारी करेंगे। कोहराम लाइव के लिए बोकारो से ब्यूरो चीफ परमेश्वर मंडल की रिपोर्ट।